हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के बारे में। तो एक नई अपडेट जो है यहाँ पे बिहार सरकार ने लाई है, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान के बारे में। देखिए यहाँ पे एक नई अपडेट आई है। यहाँ पे अगर आपको 2024 में किसी तरह की जो है दुर्घटना होती है, आप यहाँ पे अलग अलग राज्यों में जाके काम करते हैं और किसी तरह की आपकी दुर्घटना अगर आपके साथ जो घटती है, तो उसके लिए बिहार सरकार आपको 2 लाख रुपए आपको अनुदान देती है। उसके लिए आप कैसे आवेदन करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताएंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए, चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आपको गूगल में टाइप करिएगा newjobupdate.co.in, आप इस वेबसाइट पे पहुंचेंगे। लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे पोस्ट मिल जाएंगे, बिहार में तो दुर्घटना अनुदान योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको बताई गई है। तो देखिए यहाँ पे बिहार में बहुत सारे जो मजदूर होते हैं, बिहार में उनको जो है यहाँ पे काम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो जो है अलग अलग राज्यों में जाके अपनी जो है मजदूरी दिहाड़ी जो है काम करते हैं, और उनको किसी तरह की दुर्घटना वहाँ पे हो जाती है, तो उसके तहत जो है बिहार सरकार आपको 2 लाख रुपए की अनुदान देती है। अगर आपकी किसी प्रकार की दुर्घटना में जो है मौत हो जाती है, तो उनके लिए 2 लाख रुपए। अगर आप विकलांग हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको अनुदान आपको मिलेंगी। उसके रिलेटेड जो है पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। अगर आप अस्थायी रूप से अपंग या अपंग हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको 1 लाख रुपए जो है यहाँ पे अनुदान आपको मिलती हैं। इसमें क्या क्या मतलब दुर्घटना हो सकती हैं और उसके लिए आप कैसे क्लेम करेंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले जो यहाँ पे आपको बिहार मजदूर दुर्घटना अनुदान में जो पहले बेनिफिट मिलता था, अगर प्रवासी मजदूर को जो है दुर्घटना में मौत हो जाती थी, तो उसके लिए 1 लाख रुपये मिलती थी। अगर प्रवासी मजदूर जो है अस्थायी रूप से अपंग हो जाते थे, तो 75,000 रुपये मिलते थे। अगर प्रवासी मजदूर जो है आंशिक रूप से अपंग हो जाते थे, तो 37,500 रुपये मिलते थे। ये पहले की बेनिफिट है। अब न्यू बेनिफिट में जो है, अगर प्रवासी मजदूर की दुर्घटना मौत में हो जाती है, तो 2 लाख रुपये अनुदान उनके आश्रित को जो है मिलेंगे, उनकी वाइफ को या बच्चे को, या अगर शादी नहीं हुई है तो उनकी माँ बाप को जो है 2 लाख रुपये मिलेंगे। उसी तरह से प्रवासी मजदूर जो है अस्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं, तो 1 लाख रुपये उनके उनको आश्रित को जो है सहायता राशि मिलती है। अगर प्रवासी मजदूर का आंशिक रूप से अपंग अगर होते हैं, तो उनको 50,000 रुपये जो है यहाँ पे अनुदान मिलती है। ये न्यू बेनिफिट योजना में जो है ये अमाउंट जो है बढ़ाई गई है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी डिटेल्स दी गई है। तो देखिए कैंडिडेट को जो है बिहार का स्थायी निवासी होनी चाहिए। प्रवासी श्रमिक को लाभ दिया जाएगा, जैसे रेल और सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाघात, संपद्रस्त, अग्नि जलन, पेड़ या भवन का गिरना, जंगली जानवरों का आक्रमण, आतंकवादी या आपराधिक आक्रमण आदि में जो है अगर आपकी मौत या आप एक्सीडेंट होते हैं, तो उसमें आपको अनुदान मिलेंगी। देखिए अगर आप स्वयं रूप से लगाया गया चोट या आत्महत्या करते हैं, नशे के कारण चोट लगता है, या मृत्यु या आपराधिक स्थिति में जो है आपकी मौत होती है, क्षति होती है, तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसकी डिटेल्स भी दी गई हैं। यहाँ पे जो है बिहार के 18 से 65 साल वाले मजदूर को जो है इस योजना का जो है आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे जो है आवेदन की प्रोसेस जो है यहाँ पे दी गई है, और इसकी जो यहाँ पे पेपर कटिंग है उसकी डिटेल्स भी जो है यहाँ पे दी गई है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो देखिए आयु का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जैसे इसमें वोटर आईडी दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट कॉपी दे सकते हैं, आवास प्रमाण पत्र देना होगा, गवाहों का नाम और हस्ताक्षर करना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी देना होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, अगर मृत्यु हो जाती है तो मृतक या आवेदक के बिहार राज्य का अधिवासी होने का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, प्रवासी मजदूर का पहचान हेतु प्रमाण पत्र देना होगा, कार्य प्रमाण पत्र जहाँ काम कर रहे थे उसकी प्रमाणता पत्र भी आपको देना होगा, यहाँ पे स्वच्छ प्राधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता के संबंधित प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर आप आर्थिक रूप से जो है विकलांग होते हैं, तो विकलांगता सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, सरकारी शल चिकित्सक के द्वारा, बैंक का पासबुक देना होगा। ऑनलाइन आवेदन जो है सर्विस प्लस बिहार के वेबसाइट पे जो है आप जाके आवेदन करेंगे, उसकी डिटेल्स जो है इस तरह से मिलती हैं। आरटीपीएस का मेन वेबसाइट इस तरह से खुलेगा, serviceonline.bihar.gov.in के वेबसाइट पे आपको जाना होगा। यहाँ पे आप लॉग इन करके कर सकते हैं। कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो खुद का पंजीकरण करें, जाके क्लिक करके इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉग इन का आपको ऑप्शन मिलता है,
कैसे इसमें लॉगिन करते हैं, कैसे आवेदन करना है, उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, उस पर जाके वीडियो आप देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसमें जो है आपको जो है अकाउंट बनाना होगा। अगर आपका अकाउंट है तो मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के जो है आप लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर पाएंगे, या डायरेक्टली भी जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बैक आएंगे, चलिए बैक नहीं आ रहा है, फिर से अप्लाई लिंक पे जो है क्लिक कर लेंगे तो इस तरह का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा सर्विस प्लस का, उस पर जाके जो है आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए इस तरह का इंटरफेस जो है ओपन हो जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं मजदूर का डिटेल्स विवरण जो है आ जाती है। यहाँ पे मृत्यु का अगर लाभ लेना है तो मृत्यु का लाभ, अगर मृत्यु हो गई है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप आर्थिक रूप से विकलांग हो गए हैं तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लेबर का नाम डालना है, मजदूर का नाम डालेंगे, हिंदी इंग्लिश में, यहाँ पे इंग्लिश में डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिकली जो है आ जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, सब डिविजन, ब्लॉक, पुलिस स्टेशन, विलेज, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पे स्थानीय निवास का प्रकार आपको देना होगा, आपका जो गांव है वो विलेज पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपलिटी है, या टाउन पंचायत है, वो चूज कर लेंगे। यहाँ पे अपना विलेज का पंचायत चूज कर लेंगे। यहाँ पे बैंक के अकाउंट नंबर देना है, बैंक का नाम देना है, आईएफएससी कोड देंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट, दुर्घटना इंडिया में हुआ है आओ या आउटसाइड ऑफ इंडिया हुआ है, अगर इंडिया के बाहर हुआ है तो इस ऑप्शन पे चूज करेंगे। यहाँ पे दुर्घटना जो है डेट और टाइम जो है मेंशन करना है, किस दिन और किस समय हुई है। यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, पैलेस, और यहाँ पे जो है आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, जिला पदाधिकारी, यहाँ पे वीडियो सीडियो द्वारा जो है यहाँ पे इन्फॉर्म आप कब किए हैं उसकी डिटेल्स, भाट वर्क डू डू बिफोर द एक्सीडेंट, दुर्घटना के पूर्व क्या कार्य करते थे, जो आप कार्य करते थे उसकी डिटेल्स देना है। यहाँ पे प्राथमिकी सनहा पंचायत नामा दर्ज करने की तिथि जो है वो आप कब किए थे, FIR कब दिए थे, सना कब किए हैं, उसके डिटेल्स यहाँ पे दे देना है। डिटेल रिपोर्ट ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना का विस्तृत ब्यौरा जो है यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कैसे दुर्घटना हुई। यहाँ पे गवाहों का नाम जो देना है उनका एड्रेस देना है और क्या उनके साथ रिलेशन था वो यहाँ पे देंगे। इसमें आपको जो है ये सारे डिटेल्स आपको देना होगा, क्या आईडी प्रूफ देना होगा, मृत्यु या आवेदक बिहार का स्थायी निवासी है, निवास प्रमाण पत्र देना होगा, कार्य प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ पे आपको निःशक्तता संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, गवाहों का नाम हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। सभी पे टिक रहने दीजिएगा, टर्म एंड कंडीशन दी गई है इस पे टिक रहेगा, और जो कैप्चा है इसको जो है टाइप करके सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है अपलोड करने का जो है आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, कार्य प्रमाण पत्र, विकलांगता या मृत्यु प्रमाण पत्र, गवाहों का नाम हस्ताक्षर जो है यहाँ पे अपलोड करने का आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से जो है इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको किसी तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं कमेंट जरूर करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सर्विस ऑनलाइन बिहार डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको श्रम संसाधन विभाग में जो है अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, इस पे वेबसाइट पे भी आके जो है इसके लिए आप आवेदन सिंपली कर सकते हैं। इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इसकी जो प्लेलिस्ट है और वीडियो का लिंक आपको जो है आई बटन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप वीडियो देख के जो है इसके बारे में डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। जातीय आवासीय आय कैसे अप्लाई करते हैं, OBC कैसे अप्लाई करते हैं, सारी डिटेल्स वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।